अगर आप स्टॉक मार्केट में नया हो और आपको ये आइडिया नहीं है कि स्टॉक मार्केट में शेयर्स को कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी शेयर्स को सिलेक्ट किया कि हाँ भाई मुझे इस कंपनी का शेयर्स को खरीदना है, तो आखिर खरीदना है तो कब खरीदना है और बेचना है तो कब बेचना है, और कहीं ना कहीं आपको इसको लेकर थोड़ा डर भी है कि अगर मैं किसी गलत टाइम में शेयर्स को खरीद लूँ और किसी गलत टाइम में शेयर्स को बेच दूँ तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लोगे तो शेयर्स को आखिर कब सेल करनी चाहिए और शेयर्स को आपको कब खरीदनी चाहिए, इस फील्ड में आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे। तो पहले हम बात करेंगे कि शेयर्स को आखिर कब खरीदना चाहिए। देखो आगे जो मैं आप लोगों को टेक्निक सिखाने वाला हूं ना कि शेयर्स को कब खरीदना चाहिए, ये एक्सपर्ट लेवल वाली टेक्निक आपको अलग अलग जगह यही टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पैसे लेकर आपको सिखाती है, लेकिन हमारे इस चैनल में इतना एक्सपर्ट लेवल वाली टेक्निक भी बिल्कुल फ्री में सिखाया जाता है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो बात करते हैं हमें आखिर शेयर्स को कब खरीदना चाहिए ताकि हमें कभी भी लॉस ना हो। देखो शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदने से पहले आपका पहला स्टेप रहता है कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करना। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया और आपने उस कंपनी के बारे में रिसर्च कर लिया कि हाँ भाई ये कंपनी मुझे बहुत पसंद है, इस कंपनी के शेयर्स को मुझे खरीदना है, तो अब यहाँ पर आकर आप अटक जाते हो कि भाई मुझे शेयर्स तो खरीदना है, ये तो मैंने डिसाइड कर लिया, लेकिन खरीदना है तो कब खरीदना है। तो वही आप लोगों को बताऊंगा वो टेक्निक जो एक्सपर्ट लोग भी फॉलो करते हैं। देखो शेयर मार्केट में किसी भी शेयर्स को खरीदने से पहले आपको मार्केट को देखना है कि शेयर बाजार में लास्ट एक साल में मार्केट कैसा परफॉर्मेंस किया है, और शेयर बाजार में मार्केट निफ्टी 50 और सेंसेक्स को ही कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स को आइडेंटिफाई करना है, रिसर्च करना है कि लास्ट एक साल में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और निफ्टी 50 को चेक करना आई होप आप लोगों को आता होगा। सबसे पहले आपको किसी भी डीमैट अकाउंट में जाना है, वहां पे आपको सर्च करना है निफ्टी 50। अदरवाइज एक और रास्ता है, आपको गूगल क्रोम में जाना है, वहां पे जाने के बाद आपको निफ्टी 50 शेयर प्राइस को सर्च करना है, वहां पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का लास्ट एक साल में कैसा परफॉर्मेंस किया है उसको आपको सबसे पहले चेक करना होगा। तो वो चेक करने के लिए यहाँ पे आपको YTD पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे लास्ट एक साल का जो निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस है वो पूरा चार्ट आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे शुरुआत हुई, यहाँ पे ऊपर गया है, फिर धीरे 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 नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर देखिए यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर देखिए ऊपर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया। तो आपको क्या समझ में आ रही है, यहाँ पे मार्केट कभी भी स्टेबल नहीं है, मार्केट कभी भी एक समान नहीं चलता, या फिर ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा नीचे कभी भी नहीं आएगा। मार्केट देखिए यहाँ पे ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। तो यहाँ पे आपको मैं कुल मिलाकर ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अच्छे शेयर तभी खरीदना चाहिए जब मार्केट ही डाउन हो। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या आप बात बोल रहे हो कि मार्केट जब खराब हो तब हमको शेयर को खरीदना चाहिए। अरे भाई जब मार्केट जब डाउन होगा ना तब आपको अच्छे अच्छे शेयर भी, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया कंपनी के शेयर भी काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस में मिलेगा। तो आपको यही टारगेट लेना है कि मार्केट अगर अच्छा हो तो उस टाइम आपको एकदम चुपचाप रहना है, लेकिन जब भी आपको वेट करना है कि मार्केट जहाँ नीचे आए, मार्केट का प्राइस जब भी नीचे है तब आप देखिएगा कि आप जो शेयर को खरीदना चाहते हो ना, जिस कंपनी का शेयर को, उस कंपनी का शेयर का प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम जाएगा क्योंकि मार्केट ही खराब है। लेकिन आप टेंशन मत लेना, मार्केट खराब में अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर को खरीदते हो ना अल्टीमेटली मार्केट को जाना ऊपर ही है। मैं यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट को ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 हो या फिर सेंसेक्स हो, अल्टीमेटली मार्केट को जाना ऊपर ही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप कोई भी शेयर को तब खरीदो जब मार्केट ही खराब हो, मार्केट जब डाउन में हो तब आपको अच्छे शेयर का प्राइस भी बहुत ही लो प्राइस में मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ ही लिए होंगे कि शेयर्स को आखिर कब खरीदना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि शेयर्स को आखिर कब सेल करना चाहिए ताकि आप उससे अच्छा खासा प्रॉफिट को बुक कर पाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके से परेशानी हो रही है या फिर कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी क्वारी है, तो आप लोग सीधे इंस्टाग्राम पर जाओ, वहाँ पर akashprasad03 सर्च करो, मेरा ID मिल जाएगा, वहाँ पर फॉलो करके मुझे मैसेज करो, आपका पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहीं पर मिल जाएगा। तो शेयर्स को आखिर कब बेचना चाहिए यह जानने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल को सुनना होगा, तभी आप इसको प्रॉपर्ली समझ पाओगे। वॉरेन बफेट, इनको तो सभी जानते होंगे, शेयर मार्केट का फील्ड का हाईली सक्सेसफुल लेजेंड प्लेयर, ठीक है। तो इनका लाइफ में एक टाइम ऐसा स्टोरी क्रिएट हुआ था, मतलब कि सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि शेयर्स को कब बेचना चाहिए। हुआ यह था कि इनको एक जगह प्रॉपर्टी को खरीदना था, खरीदने के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है और बड़े बड़े लोग तो अपने सारा पैसा शेयर्स में ही इन्वेस्ट करके रखते हैं।
हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक कंपनी का शेयर था, मतलब करोड़ों रुपए उस पर इन्वेस्ट थे, तो एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर्स को उन्होंने 20,000 करोड़ में सेल कर दिया और 20,000 करोड़ में उन्होंने उस पैसे से दूसरी जगह अपना एक प्रॉपर्टी को खरीद लिया। अब हुआ ये कि ठीक 3 से 3.5 साल बाद उस कंपनी का जो 20,000 करोड़ का प्राइस था वो बढ़ के हो गया 80,000 करोड़। अगर वॉरेन बफेट सर जी को ये पता होता कि उनका उस कंपनी में लगाया हुआ शेयर का प्राइस आने वाले 3 से 3.5 साल में 4 गुना होने वाला है, वो पैसा 4 गुना हो जाता, तो क्या वॉरेन बफेट उस कंपनी के शेयर्स को बेचते? कभी भी नहीं बेचते। तो इससे आई होप आप लोगों को ये आंसर मिल गया होगा कि शेयर मार्केट में शेयर्स को कब बेचनी चाहिए। अरे भाई, जब वॉरेन बफेट जो शेयर मार्केट का लेजेंड इंसान है, इनको ही नहीं पता कि आने वाले टाइम में कंपनी के शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कि 10 गुना होगा कि 10 गुना डाउन होगा, उनको नहीं पता तो मुझे और आपको कैसे पता होगा। तो इसका आखिर सोल्यूशन क्या है, आखिर हम शेयर मार्केट में शेयर को सेल कब करें? तो इस सवाल का सिर्फ एक ही आंसर है, अगर इसको आप फॉलो करते हो तो शेयर मार्केट में आपका पैसा डूबने के चांसेस काफी गुना कम जाएगा। इसका ये आंसर है कि कोई भी इंसान शेयर मार्केट में आखिर आते ही क्यों है, आप क्यों आए हो शेयर मार्केट में? ताकि आप पैसे को कमा पाओ। आपका कुछ तो टारगेट होगा ना कि मुझे 10,000 कमाना है, मुझे 1 लाख कमाना है, मुझे 10 लाख कमाना है, मुझे 1 करोड़ कमाना है, कुछ तो आप टारगेट लेके ही आए होंगे ना इस फील्ड में कि शेयर मार्केट में मुझे इतना पैसा कमाना है। तो जब आपका टारगेट फुलफिल हो जाता है, अपना दाएं देखो ना बाएं, आप शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट को बुक कर लो। बात समझ में आई? तो जब आपका लिया हुआ टारगेट फुलफिल हो जाता है कि आपने टारगेट लिया था मुझे 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए और शेयर मार्केट में आपका 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो आप शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट को बुक कर सकोगे। और शेयर मार्केट में वही लोग प्रॉफिट को बुक करते हैं जो लोग अच्छी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं और उसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते हैं। तो शेयर मार्केट में आखिर अच्छी कंपनी और अच्छी सेक्टर मिलेगी कैसे, वो जानना है तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लो। यहाँ पर मैंने 5 ऐसे कंपनी और 5 ऐसे सेक्टर के नाम बताए हैं जो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं।